De que son aún el tío. फाइव जी फोन लगो, टेंशन नहीं, मस्त चलतो, जाओ फर्स्ट क्लास। जाओ जो बेस्ट गिफ्ट आ कि नहीं, प्रवेश हमें खोजो लिए, लेकिन बढ़िया रह रहती है, सबसे बेस्ट है। बारिश के बूंदे जस्ट गिरने के बाद ही ये देखे कैसे धरती से आग निकल रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हर हर बहुत ही गर्म ज्वाला से निकलते हैं, क्योंकि जमीन में आग लगा हुआ है कोयला से पहले से, इसीलिए बारिश के बूंदे जैसे पड़ती है। इसमें ओपन कास्ट एरिया है कंटिन्यू, तो देखिए कैसा धुआं निकल रहा है, खूबसूरत दिख लगता है। ऐसा दृश्य आप कभी नहीं देखे होंगे, अझरिया में आप आए हैं, हरी जगह दृश्य नहीं देखे तो क्या देखें बताइए। देखिए जगह जगह से आपको गैस का रिलीज हो रहा है, खूबसूरत लग रहा है। ये मेरा दीदी घर जाने का रास्ता में ही पड़ता है, हमेशा हम आते हैं तो इस जगह जरूर देखते हैं एक बार, आपको भी सोचे दिखा देंगे जगह। अरे किस्मत से अच्छा कि मेरा आज बारिश भी हुआ है, खूबसूरत लग रहा है, देखिए अमेजिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है दिन स्पेशल, भाई और बहन के लिए स्पेशल दिन होता है, आज है रक्षाबंधन। तो आज हम रेडी हो गए, नहा धो के ड्यूटी से आए, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज हम लोग का शुभ मुहूर्त ही स्टार्ट था 1:30 बजे से। तो 2 बजे करीबन से राखी बनाना स्टार्ट हो रहा था, 9:30 बजे तक करीबन बजेगा राखी। आज हम लोग का भाई बहन का अच्छा बंधन का स्पेशल दिन है, हम लोग जा रहे हैं रक्षाबंधन, हम राखी बंधाने अपने बहन के पास। अभी थोड़ा देर से निकलेंगे हम लोग अपना घर दीदी का, अब उसके बाद पहले जाएंगे, उसके बाद रीडिंग भी हो गए हैं, अभी बारिश भी होगी। आज माँ सावन का लास्ट दिन है, बाबा का आशीर्वाद आज हम लोग को जाते जाते देते हुए जा रहे हैं। बहुत जोर से बारिश हो रहा है कंटिन्यू, अब देखते हैं हम लोग के हम भींग तो जाएंगे, हमको लगता है उम्मीद तो ज्यादा ही ज्यादा है कि भींग ही जाएंगे, क्योंकि अब देखते हैं क्या हम सुरक्षित है। अगर जाते जाते अगर मौसम ठीक हो गया तो बारिश रुक गया तो बहुत अच्छा बात है। चलते निकलते हैं हम अपने दीदी के घर के लिए, आपको दिखाते हैं दीदी के लिए क्या स्पेशल लिए हैं और क्या गिफ्ट दिया जाएगा। हम वीडियो में कंटिन्यू रहिए, आपको मजा आएगा। बारिश के टाइम आप झरिया आए यार, ये जगह नहीं देखे तो क्या बात देखे। आपको दिखाता हूँ झरिया का क्या सुंदरता, कितना खूबसूरत लगता है बारिश होने के बाद, जस्ट आपको देखने मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत लगा। देखे मेरे पीछे का सीन, अब बादल का सीन, वो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब आपको आगे का सीन दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत लगता है झरिया। बारिश के बूंदे जस्ट गिरने के बाद ही ये देखे कैसे धरती से आग निकल रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हर हर बहुत ही गर्म ज्वाला से निकलते हैं, क्योंकि जमीन में आग लगा हुआ है कोयला से पहले से, इसीलिए बारिश के बूंदे जैसे पड़ती है। इसमें ओपन कास्ट एरिया है कंटिन्यू, तो देखिए कैसा धुआं निकल रहा है, खूबसूरत दिख लगता है। ऐसा दृश्य आप कभी नहीं देखे होंगे, अझरिया में आप आए हैं, हरी जगह दृश्य नहीं देखे तो क्या देखें बताइए। देखिए जगह जगह से आपको गैस का रिलीज हो रहा है, खूबसूरत लग रहा है। ये मेरा दीदी घर जाने का रास्ता में ही पड़ता है, हमेशा हम आते हैं तो इस जगह जरूर देखते हैं एक बार, आपको भी सोचे दिखा देंगे जगह। अरे किस्मत से अच्छा कि मेरा आज बारिश भी हुआ है, खूबसूरत लग रहा है, देखिए अमेजिंग। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, नजदीक से आपको दिखा रहे हैं, देखिए आग लगी हुई है जमीन में चारों तरफ के कारण से ये दिख रहा है, पानी का जस्ट बूंद अभी पड़े ही है। रात में देखने से और खूबसूरत लगता है, लाल लाल देखने में लगता है, बेहतरीन। गिफ्ट रैपिंग हो रहा फाइनली, उसके बाद रैपिंग करके हम लोग जाएंगे, तो गिफ्ट तो लिखा गया है, अब ये सरप्राइज है कि आपको बाद में दिखेगा जब मिलेगा दी को, उसके बाद आपको देखना दो गिफ्ट हुआ के दोनों जन को देना है हमको, इसीलिए आपको दिखाते हैं। वीडियो में कंटिन्यू रहिए कि क्या सरप्राइज गिफ्ट है, आपको दिखेगा।
टिकटॉक के लिए पूरा रैप हो गया है। अब हम निकलेंगे डेस्टिनेशन के लिए और बारी बारी हमको देना है दोनों को गिफ्ट रक्षाबंधन कराने के बाद। वीडियो में आपको कंटिन्यू रही, आपको पता चलेगा कौन सा गिफ्ट हम लिए हैं और रैप कराए। ये सरप्राइज है। मंदिर में पूर्णिमा भी है, हमको टाइम से भी जाना भी, अभी खीर वहां बन रहा है। नहीं, उसमें इतना सुंदर नहीं लग रहा था, यहाँ देखे सुंदर लग रहा है क्या? ठीक है, आप बोल देते हैं, घड़ी जैसा भी लग रहा है, जैसा देख सकते हैं ये ब्रेसलेट टाइप का हो गया। हाँ, अगर बाद में भी पहन के रहेगा ना, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा कि राखी ही है। लग रहा है। हाँ, तो ठीक है। आई तो हो सके लेट और बीपी में पसंद वाईफाई लगाया है। पहले तो हम देखते हैं, ध्यान से देखते हैं वाईफाई लगाया है। सोनू वाला एंगल सर है ना उधर से। वो अपना इच्छा से गया था, वो भी तुमको क्या जाना है, ऐसा अवसर वही थोड़ा आता है, कहते हैं लोग के देना है। तो पहले गेस करके बता की है तो इतना। हाँ, गेस करके बता। सोनू तुम बता क्या हो सकता है? काम का बता। हम मतलब काम का ही चीज है, काम का चीज है, लेडीज का। अच्छा, मेकअप, मेकअप बॉक्स होगा, मेकअप किट होगा या तो लग रहा है फोन हो। ना ना, छोटा मोटा ही गिफ्ट है, आईफोन नहीं है इतना अभी। अच्छा, पैसा मेरे पास तो नहीं है। खोल के देखिए, आईफोन इतना बड़ा डब्बा नहीं देता, छोटा ही डब्बा। बड़ा यस, बता गेस करके बता। मेकअप किट या फिर नेकलेस होगा, इलेक्ट्रिक डिवाइस निकला है। हम जान लेते ये वाला चीज नहीं रखे होंगे, आप लोग बड़ा आदमी, ये बड़ा महंगा महंगा चीज रखिएगा ना, इसीलिए इसमें हॉट और कोल्ड दोनों आवाज़ है। मामा नहीं, गरम आपके पास खुशखबरी सुना दो कि कितने 10 साल पहले ही सब हम लोग खरीदे हैं। क्या हुआ? ये बोल दीजिए आप रेडी फॉर चांस फिर में। अच्छा, अंजलि तुमको यस तो सोनू अच्छा लग रहा, लेकिन
और यस क्या दिया है? ये वाला दिया है। अरे तो ज्वेलरी लग रहा है, बटरफ्लाई वाला। अरे अच्छा लग रहा है, ये वाला भी अच्छा। ये दोनों दिया है, दोनों यस दिया है। वाह, कहाँ से तुम अपना गुल्लक से निकाला था क्या? अरे लोग गुल्लक है कि नहीं, कहाँ रखा? जूटा में तो देखवे नहीं किया। 100 रुपया रखेगा, ये लोग तो सब कुरकुरे खाएगा। झूठ बोल रहा तुम, कहाँ तेरा गुल्लक, दिखा तो लाके हमको। यस गुल्लक अब ये से रखेगा तब ना, कितना कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो कितना सुंदर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। बटरफ्लाई वाला ये भी है। इतना लेट कर दली ना, हमें तो बहुत देर तक इंतजार कर लिया, कब आ गए भाई। मैं वाली की चली गई बस, कहीं जाके लेना है तो खोलो ना कि साझे ना वो तो हमें सुनिए डिप्टी का लास्ट के हम से दे। पहले गैस करके बता कि गिफ्ट लग बता। हाँ गर्मियों में अच्छा कोली का देखिए, कोली का देखिए। तो और जन लागो तू सब का खुद एना नहीं खो पहले बता दे। देख कैसा ना हूं बोलती। फाइव जी फोन लागो, टेंशन नहीं, तुम बस चल तो बस क्लास जाओ। बताएगा जो बेस्ट गिफ्ट आ गया ना एकदम प्रवेश। हमें खोजो लिए लेकिन बढ़िया आ रहा है, ये सबसे बेस्ट है। टिंग मोबाइल दे, अम्मा सुंदर है। बहुत सुंदर बताओ, अब चालू करके देखो तो ना। इतने दाव ऐसे कंटिन्यू दाव चालू हो तो अच्छा, लेकिन बहुत मुश्किल से बचा रहा था ची। आज देखे एक पैकेट हम पैक करके रखे थे दूसरा लाता नहीं, आज एक हम देने के लिए पैक करके रखे थे। अरे ये सब भगवान तो कैसा दे, नहीं वहाँ सब कोई पहुँचता नहीं, हम लोग नहीं पहुँच पा रहे। कितना मुश्किल से आज दूर से हम लोग पहुंचे, अलग अलग तरह का माला लिए। बढ़िया है, सबका नसीब में नहीं होता है भोले बाबा का दर्शन करने। सावन का मौसम, सावन का शुभ अवसर में हमको जल चढ़ाने का अर्पण मौका मिल गया, वही बहुत बड़ा बात है क्या? इतना बहुत मुश्किल से 4 घंटा लाइन में लगे। अरे इतना पैदल चलने के बाद तो ठीक है, फिर भी चला ठीक है, 4 घंटा लाइन में खड़ा रहने में और हालत खराब हो जाता है, तालू टोपरा गर्म हो जाता है, और 4 घंटा लाइन में खड़ा रहने से और माथा गर्म खड़ा होना पड़ा, वही तो बोल रहे, दिक्कत वही है ना। और अब ये जूता पहन के यहाँ पर कोई जगह में खड़ा रही है ना, कितना देर तक ये है ना, प्योर घी का बना था। हाँ मिक्स नहीं रहता इधर जो है सर, वो बोला एक भी अगर खराब होगा ना हमको फोन करिएगा, हम रिटर्न कर देंगे। नहीं वो खराब होता ही नहीं, फ्रिज में मत रखिएगा जल्दी, ऐसे बाहर में रखना बोला है।